हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वेब ऑफ सोशियोलॉजी। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रामकृष्ण मिशन शिक्षा न मंदिरा से जो बीएड एडमिशन 2021 से रिलेटेड न्यू नोटिफिकेशन अपडेट हुई है उसके बारे में। तो फिर चलिए चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट में। जैसे कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं, ये रामकृष्ण मिशन शिक्षा न मंदिरा का ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे एक बता देता हूँ इसका कैंपस कहाँ पे लोकेटेड है। ओके, इसका कैंपस है बेलूर मठ हावड़ा कोलकाता वेस्ट बंगाल में। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन इन बीएड प्रोग्राम 2021-23 टू ईयर्स। तो सिंपली आप सभी को इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। करने के बाद में कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, देन थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिए। करने के बाद में यहाँ पे देख सकते हैं फॉर मेल कैंडिडेट्स ओनली, यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। ओके, कि सिर्फ मेल कैंडिडेट्स ही ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, फीमेल कैंडिडेट्स ये फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट देख लेते हैं ऑनलाइन फॉर्म फिलअप डेट फ्रॉम June 10 टू July 25 2021, यानी कि 10 जून से लेके 25 जुलाई 2021 तक आप सभी ये फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं ऑनलाइन मोड के थ्रू में। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं ऑनलाइन फॉर्म प्राइस। जनरल कैंडिडेट्स के लिए 415 यानी कि 415 रुपये, देन एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 360 यानी कि 360 रुपये, देन पीएच कैंडिडेट्स के लिए 210 यानी कि 210 रुपये। नेक्स्ट टोटल इंटेक कैपेसिटी यहाँ पे दिया गया है जो कि 100 यानी कि टोटल 100 सीट्स है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिए। करने के बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन देख सकते हैं डाउनलोड प्रोस्पेक्टस, तो सिंपली आप सभी को इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। करने के बाद में इसका पीडीएफ ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं प्रोस्पेक्टस 2 ईयर बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड प्रोग्राम ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स हॉस्टल फैसिलिटी फॉर विलिंग स्टूडेंट्स 2021-23। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मैं आपसे कि स्क्रॉल डाउन करके दिखा देता हूँ। मैं सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में ही डिस्कस करूँगा। ओके, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा प्रोस्पेक्टस है, इसलिए जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मैं सिर्फ वही डिस्कस करूँगा। ओके, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं सब्जेक्ट्स, कौन कौन से सब्जेक्ट्स में वैकेंसीज निकली हुई है। ओके, ए में है लैंग्वेज ग्रुप, इसके अंडर में बंगाली इंग्लिश संस्कृत एंड हिंदी। बी में है मैथमेटिक्स ग्रुप, इसमें मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर स्टडीज। सी में है साइंस ग्रुप, इसमें है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस। एंड डी में है सोशल साइंस ग्रुप, इसमें है हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस एडुकेशन म्यूजिक अकाउंटेंसी फ्रॉम कॉमर्स। ओके, तो जैसे कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 14 डिपार्टमेंट से वैकेंसीज निकली हुई है। ओके, नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। कैंडिडेट्स विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन बैचलर डिग्री और मास्टर्स डिग्री और एनी अदर क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट देयर टू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एडमिशन टू द प्रोग्राम। यानी कि अगर आपके पास बैचलर डिग्री या फिर मास्टर्स डिग्री में 50% मार्क्स है तो आप सभी ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, देयर शैल बी रिलैक्सेशन ऑफ 5% मार्क्स कैंडिडेट बिलोंगिंग टू रिजर्व कैटेगरीज एससी एसटी। यानी कि अगर आप रिजर्व कैंडिडेट्स हो जैसे कि एससी एसटी से बिलोंग करते हो तो आप सभी को 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ओके, यानी कि 5% का छूट मिल जाएगा। यानी कि अगर आपके पास बैचलर डिग्री या फिर मास्टर्स डिग्री में 45% मार्क्स है तो भी आप सभी ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, ये सिर्फ रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए है और अदर्स कैंडिडेट के लिए 50% मैंडेटरी है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं एडमिशन पॉलिसी एंड प्रोसेस, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप डेट
जो कि मैंने पहले ही मेंशन कर दिया है, फिर से एक बार कर देता हूँ। 10 जून 2021 टू 25 जुलाई 2021, यानी कि 10 जून 2021 से लेकर 25 जुलाई 2021 तक आप सभी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट, टोटल इनटेक कैपेसिटी जो कि है 100, टोटल 100 सीट्स है, ओके। और ये 100 सीट्स यानी कि टोटल 100 सीट्स यहाँ पे कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया गया है, ओके। नेक्स्ट, मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग एकेडमिक स्कोर, ओके। यानी कि इस एकेडमिक स्कोर के बेसिस में मेरिट लिस्ट प्रिपेयर किया जाएगा। जैसे कि मैं माध्यमिक परीक्षा या फिर क्लास 10 के लिए 10 मार्क्स, देन हायर सेकेंडरी यानी क्लास 12 के लिए 10 मार्क्स, देन ग्रेजुएशन के लिए 30 मार्क्स, देन पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 30 मार्क्स, देन एम फिल के लिए है 2 मार्क्स, देन पीएचडी के लिए 3 मार्क्स, देन एक्सपीरियंस के लिए है 5 मार्क्स, देन इंटरव्यू और काउंसिलिंग के लिए 20 मार्क्स, टोटल 110 यानी कि 110 मार्क्स के बेसिस में ही मेरिट लिस्ट प्रिपेयर किया जाएगा, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं, डेट एंड टाइम ऑफ इंटरव्यूज और काउंसिलिंग वाया ऑनलाइन गूगल मीट मोड, यानी कि इंटरव्यू और काउंसिलिंग होगा गूगल मीट के थ्रू से, ओके, जो कि ऑनलाइन में होगा। यहाँ पे डेट, डे, टाइम और सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट मेंशन कर दिया गया है लेकिन डेट, डे और टाइम मेंशन अभी तक नहीं किया गया है, बाद में आप सभी को पता चल जाएगा वेबसाइट के थ्रू से, जब वेबसाइट में अपडेट कर दिया जाएगा ये सभी डिटेल्स, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं, पब्लिकेशन ऑफ फाइनल लिस्ट फॉर एडमिशन, डेट्स ऑफ एडमिशन, डेट ऑफ पब्लिशिंग वेटिंग लिस्ट, डेट ऑफ एडमिशन, ये सभी आप सभी को वेबसाइट के थ्रू से अवेयर कर दिया जाएगा, जो भी नोटिफिकेशन अपडेट होगा बाद में, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं, अभी फी स्ट्रक्चर ऑफ 2 ईयर्स बीएड कोर्स फॉर द सेशन 2021-23, अभी फी स्ट्रक्चर दिया गया है, ओके। अभी देख लेते हैं, फर्स्ट ईयर फॉर डेप्यूटेड ट्रेनिस के लिए है ये, जो कि टोटल अमाउंट है 20,800, ओके। देन यहाँ पे फर्स्ट ईयर फॉर फ्रेशर्स ट्रेनिस के लिए है, जो कि है 17,200। देन सेकेंड ईयर फॉर डेप्यूटेड ट्रेनिस के लिए है 17,700। देन सेकेंड ईयर फॉर फ्रेशर्स ट्रेनिंग्स के लिए है 14,100, ओके। आप सभी अपने अकॉर्डिंग फी स्ट्रक्चर चेकआउट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट, यहाँ पे एनुअल हॉस्टल चार्जेस फॉर द सेशन 2021-23 ये ऑप्शनल है, ओके, हॉस्टल, फिर भी आप सभी यहाँ पे चेकआउट कर लीजिए हॉस्टल का फी स्ट्रक्चर। मैं स्क्रॉल डाउन करके दिखा देता हूँ आप सभी को। देखिए हॉस्टल ऑप्शनल है, इसका कुछ रूल्स रेगुलेशंस है, ओके, जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है, जैसे कि जनरल इंफॉर्मेशन, देन जनरल रूल्स, अटेंडेंस एंड लीव, रेसिडेंस रूल्स, मेस रूल्स, मेडिकल फैसिलिटीज, विजिटर्स, डिसिप्लिनरी एक्शन रिगार्डिंग वायलेशंस ऑफ रूल्स, ये सेक्टर यहाँ पे दिया गया है, आप सभी चेकआउट कर लीजिएगा अगर आप हॉस्टल में रहना चाहते हो तो, ओके, जो कि ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है, आप बाहर भी कहीं रह सकते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट, मैं आप सभी को दिखा देता हूँ आप सभी को अप्लाई कैसे करना है, ओके। तो बैक करके थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिए, करने के बाद में यहाँ पे देख सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन,
इससे पहले मैं आपसे को बता देता हूँ, यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया गया है, द अमाउंट फॉर फिलिंग अप ऑनलाइन फॉर्म इज नॉट रिफंडेबल, प्लीज मेक एन इन्फॉर्म डिसीजन बिफोर फिलिंग अप द ऑनलाइन फॉर्म। ओके, तो यहाँ पे मेंशन कर दिया है क्लियरली, जो फी होगा एप्लीकेशन फी वो नॉन रिफंडेबल है। ओके, इसीलिए फॉर्म फिलअप करने से पहले अच्छे से डिसीजन मेकिंग कर लीजिएगा। देन आप सभी को अप्लाई ऑनलाइन ऑप्शन पे क्लिक करना है। करने के बाद में कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। फिर से यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं फॉर मेल कैंडिडेट्स ओनली, यहाँ पे फिर से मेंशन कर दिया गया है जो कि सिर्फ मेल कैंडिडेट्स ही ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, आप सभी यहाँ से डाउनलोड प्रोस्पेक्टस भी कर सकते हैं और यहाँ पे गाइडलाइंस फॉर फॉर्म फिलअप यहाँ पे दिया गया है। ओके, तो सिंपली आप सभी को इस ऑप्शन पे क्लिक करके गाइडलाइंस चेकआउट कर लेना है अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो फॉर्म फिलअप करने में। ओके, तो अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो सिंपली आपको लॉगिन ऑप्शन पे क्लिक करके लॉगिन करना है। ओके, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हो तो आप सभी को रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो चलिए करके देखते हैं। जैसे कि देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेंट्स का पेज ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे सिंपली आपको अपना नेम, देन कॉन्टैक्ट नंबर, देन ईमेल आईडी, देन पासवर्ड, देन कॉन्फर्म पासवर्ड करके रजिस्टर्ड गेट रजिस्टर्ड ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ओके, करने के बाद में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। देन आप सभी को लॉगिन ऑप्शन पे क्लिक करके ईमेल आईडी एंड पासवर्ड देके लॉगिन कर लेना है और उसके बाद में पूरा फॉर्म बहुत ही केयरफुली फिलअप कर लेना है। ओके, अगर वीडियो में कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर दीजिए, या फिर इसी तरीके का वीडियो पाने के लिए, या फिर हायर एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो, या फिर ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब कभी भी न्यू वीडियो अपलोड हो इस चैनल पे तो सबसे पहले आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, तो फिर चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।